लास्ट वाले टेस्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास लेट्स डिस्कस दिस थिंग के व्हाई वी आर लैगिंग और व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्कोर यू कैन से बेटर मार्क्स है ना एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ था टेस्ट हुआ था 11 वाला 11 अगस्त वाला किसका हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हुआ था ना लास्ट। उसके कंपैरिजन में आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए हर टेस्ट में हमको थोड़ा ही सही लेकिन ग्रोथ करनी है राइट। तो अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो उसका कोई रीजन होगा उस रीजन को समझो पहले तो फिर डिस्कस करो टीचर्स के साथ में। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने सोच लिया कि कोई बात नहीं अगली बार देखा जाएगा। तो मेरे को पता है किस किस बच्चे के कितने कितने मार्क्स आए और किस किस बच्चे ने किस हिसाब से पेपर किया है ना वो भी मुझे पता है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने उतना टाइम नहीं दिया हो पेपर को। गुड इवनिंग दिशा दीक्षा। तो हो सकता है आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज देख के किए हों वो भी मुझे पता चल जाएगा है ना। मैं आप लोगों का मार्क्स देख के बता सकता हूँ कि किसने कितना टाइम दिया और कितना ईमानदारी से किया पेपर ठीक है। तो बिफोर आई रीच आउट टू यू यू शुड रीच आउट टू मी है ना। आपको मेरे से बात करनी चाहिए कि सर फिजिक्स में इस बार ये हुआ कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने ये फॉर्मूले वगैरह नहीं पढ़े थे या फिर मेरे को ये टॉपिक्स में थोड़ा डाउट था इसलिए मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए है ना। तो ये बेटर होगा कि तुम लोग मुझसे बात करो आगे से समझ में आ रही है वरना मुझे करनी पड़ेगी आगे से है ना। और मैं करूँगा तो फिर थोड़ी सी डांट भी लगेगी तुमको क्योंकि अगर आप लोग आगे से अगर अपने लिए अलर्ट नहीं हो क्योंकि तुम में से क्या 3-4 बच्चे मुझे शेयर भी करते हैं अपना रिजल्ट शेयर भी किया आप में से कुछ बच्चों ने मुझे अपना प्रॉब्लम भी शेयर किया है डाउट्स भी पूछते हैं ठीक है। तो उनसे मुझे इतनी शिकायत फिर भी नहीं है लेकिन तुम में से कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं डाउट। अब तुम लोगों को सेलेक्ट होना है नहीं होना वो तो मुझे नहीं पता है ना लेकिन मेरा काम तो है ना ये कि तुम लोगों को मैं एटलीस्ट इस लेवल पे लेके आऊँ कि तुम सिलेक्शन के पास आ जाओ है ना। तो मेरा तुम्हारा तुम्हारे से यही है एक लास्ट कि तुम अपने तरफ से खुद से रीच आउट करो कि सर मार्क्स इस वजह से नहीं आए क्या मेरे मार्क्स नहीं आए इस बार कम आए किस वजह से नहीं आए वो हम साथ में बैठ के एनालाइज कर लेंगे कोई इशू नहीं ठीक है। अच्छा मेजर टेस्ट आने वाला है 1st of September को तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज की है ना। क्लासेस तो लगी रही है तुम्हारी 11th और 12th के साथ में तो क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो ज्यादा टाइम नहीं बचा है 1st of September में ना एक वीक बचा है राइट। तो आपको मेजर टेस्ट अच्छे से देना है उससे आपके काफी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे है ना काफी तुमको रिलैक्स फील होगा जब तुम्हारे मार्क्स ठीक आएंगे ना तो तुम्हें काफी अच्छा फील होगा कि इतने सारे चैप्टर्स का मैंने टेस्ट दिया और मेरे मार्क्स ठीक आ गए यानी कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है अब मैं मतलब थोड़ा स्ट्रेस से रिलीज स्ट्रेस को रिलीव कर सकता हूँ है ना क्लियर कर सकती हूँ ठीक है। तो इस बात को समझो कि कितना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है अगर आप टेस्ट अच्छे से देते हो सही से देते हो और मार्क्स आ जाते हैं तो लेट्स होप आई कैन ओनली होप कि तुम्हारा अगला टेस्ट अच्छा जाए। EMI का होने वाला शायद AC का होने वाला है तैयारी व्यारी करना चालू करते कुछ लगा रहे हो क्वेश्चन लगा रहे हो उसके सॉल्व कर रहे हो यस सर हो रहे हैं क्वेश्चंस डाउट्स आ रहे हैं या फिर हो रहे हैं क्या सीन है सर अभी प्रैक्टिस है सर नोट्स देख के सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो मॉडल्स भी थे उसका सॉल्व एग्जाम पे सर प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है बढ़िया। डीपीपी चाहिए डीपीपी शेयर करूं यस सर यस सर ठीक है तो मैं डीपीपीज भी शेयर कर दूंगा आपको आप लोगों के Tomorrow I will share. सर उसके PYQ कर देना सर। PYQ शेयर कर दूंगा PYQ तो मैं डिस्कस भी कर लूंगा ठीक है। ओके सर। PYQ क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे हमारी लास्ट क्लास याद है ना आपको रिवीजन क्लास होती है सो विल डिस्कस इन दैट क्लास आल्सो है ना उसमें भी मैं तुम्हें क्वेश्चन देखो समझो इस बात को मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ट्राई है ना क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल है एग्जाम में आ सकते हैं वो सब ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्लास में करा दूं लेकिन क्लास में सारे क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते इस बात को समझते हैं ना आप लोग। आप सब चीजें आपकी सारी प्रैक्टिस क्लास में नहीं हो सकती आपको पर्सनली सेल्फ स्टडी करके करनी पड़ेगी है ना काफी सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने पड़ेंगे तो आप वो कीजिए उसमें डाउट आ रहा है आप वो पूछिए लेकिन आप खुद से करो तो सही। अब लास्ट वाली क्लास में मैं AC का स्पेसिफिकली रिविजन क्लास लगाने वाला हूँ तो तुम लोगों को मैं यही बोलूंगा कि प्रिपेयर होके आना ठीक है प्रिपरेशन वगैरह अपनी पूरी होनी चाहिए आपकी आप लोग एटलीस्ट एक बार थ्योरी पढ़ लो पूरा
कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा रिवाइज कर लो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उसमें, ताकि जब हम क्लास में साथ में सॉल्व करेंगे ना तो तुम लोग कर पाओ सॉल्व। बात समझ में आ रही है? ये चीज मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ पहले भी, है ना? मैं तो थक नहीं रहा हूँ, तुम लगता है तुम थक गए हो। आई होप कि अब इस बार ये शिकायत नहीं आएगी, इस बार तुम करके आओगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को, काफी बातें हो गई। सो वी वर डिस्कसिंग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तीन चैप्टर बचे हैं आप लोगों के, वन इज एक तो वन इज ऑप्टिक्स, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों दो आने वाले हैं पार्ट। उसके बाद आपका बचा है मॉडर्न फिजिक्स, है ना? उसके बाद आपका बचा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स तो बहुत मिनिमम पार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट आपका नहीं है सिलेबस में। मॉडर्न फिजिक्स के भी काफी मेजर पार्ट तो है ही नहीं सिलेबस में, ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिक्स का काफी काफी सारा पार्ट है। तो इस हम ट्राई करेंगे कि अगले महीने तक सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें, है ना? अगर सितंबर तक नहीं भी होता है तो अक्टूबर के मिड तक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा ट्वेल्थ का, है ना? और इलेवेंथ का भी मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, इलेवेंथ का भी हो जाएगा सितंबर तक, ठीक है? तो तुम्हारा जब सिलेबस पूरा हो जाएगा सितंबर एंड तक या अक्टूबर तक, तो उसके बाद फिर आपको केवल और केवल क्वेश्चन लगाने हैं जितने भी दिए हुए हैं ना सारे, फिर से रिवाइज करो। अब तुम समझो इलेवेंथ अभी तुम्हारी कितनी बच रही है, 60% इलेवेंथ बच रही है ये मान लो, है ना? और ट्वेल्थ भी 20-30% बच रही है, प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं साथ में। तो अभी जो भी चल रहा है उसमें जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको मार्क करके रखो। ये क्वेश्चंस को आप दोबारा कब कर पाओगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल बी हैविंग टाइम एंड यू विल बी हैविंग रिसोर्सेज आल्सो। आपके पास सारी सुविधाएं भी होंगी जहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो, और आपके पास थोड़ा टाइम भी आ जाएगा। तो उसमें आप ये पुराने क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए थे, गुड इवनिंग रानी, आप वो सब अटेम्प्ट कर सकते हो फिर से, है ना? तो ये अभी मार्क करके रखोगे ना, बात का काम आसान हो जाएगा, इस चीज को समझो। और अभी अगर तुम इग्नोर कर दोगे चीजों को, जो सवाल तुमसे नहीं बन रहे उनको इग्नोर कर दोगे, तो बाद में फिर से मेहनत करनी पड़ेगी सारी। अब मैं तो तुम्हें समझाने का काम है मेरा, मैंने समझा दिया, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्लेन मिरर से बच्चों इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो सीखा था, है ना? हमने प्लेन मिरर से कैसे सीखा था कि भाई एक प्लेन मिरर है, उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, प्लेन मिरर है उसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो आपका इमेज भी किधर बनता है, एक्स डिस्टेंस पे, है ना? स्पीड के बारे में हमने बात करी थी, है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड है कुछ वी एक्स, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कुछ वी ओ एक्स, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है भाई, वी आई एक्स माइनस में, है ना? नेगेटिव अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है ना उसकी, ठीक है? लेकिन स्पीड सेम रहती है। स्पीड क्या रहती है, सेम सेम, ठीक है? अब इसमें भी चेंज आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज में भी चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज क्या होगा और कैसे लाएंगे उसको वो हम बाद में समझेंगे, पर अभी हमने जो पढ़ा हुआ है वो यही पढ़ा हुआ, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक मिरर से तो हमने समझ लिए, एक मिरर से तो हमने रिफ्लेक्शन को समझ लिया। अगर मल्टीपल मिरर हम लगा दें, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि एक से ज्यादा मिरर लगा दिया, तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो जैसे कि एक केस आ गया, इसमें क्या है, हमें सारी इमेज को लोकेट करना है जो कि बनेगी टू प्लेन मिरर से। तो समझो हमने क्या किया, दो प्लेन मिरर लिए और उनको ऐसे अलाइन कर दिया ना, एक के ऊपर एक हमने अलाइन कर दिया। तो लेट्स से कि एक प्लेन मिरर को हम बोल रहे हैं M1 और एक को बोल रहे हैं M2, है ना? और उनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों। कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, बीच में कहीं पे रख दिया, है ना? बीच में मतलब एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, कहीं पे इन बिटवीन M1 एंड M2 हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है? तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम देखें तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा इस दोनों मिरर्स के साथ में, राइट? तो लेट्स से कि ये अल्फा एंगल तो बना रहा है किसके साथ में, M1 के साथ में, और बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ में, M2 के साथ, राइट? अब देखो समझो, इस ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन आएगा क्या वो दोनों पे आएगा, क्या वो M1 और M2 दोनों में रिफ्लेक्शन आएगा क्या इसका? यस सर, यस सर। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे M1 और M2 के बीच में, दो मिरर्स के बीच में, तो दोनों मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन होगा उसका ऑब्जेक्ट का। तो एक इमेज, है ना, तो एक इमेज हमारी बनेगी, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन इस M2 में, तो यहाँ पे कोई
रिफ्लेक्शन आया, इसको हम बोल देते हैं I2। तो ये भी बीटा एंगल बना रहा होगा क्या, ये भी बीटा एंगल बना रहा होगा क्या? Yes, yes, sir. जो ऑब्जेक्ट जो एंगल जो डिस्टेंस रखता है वही तुम्हारा इमेज भी रखता है, तो जो एंगल तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना रहा है मिरर से वही एंगल तो बनाना चाहिए इमेज को भी। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? Yes, तो ये I2 जो है तुम्हारा ये है ऑब्जेक्ट का M2 में रिफ्लेक्शन, तो ये बीटा एंगल बनाएगा। ऐसे ही I1 जो है क्या वो अल्फा एंगल बनाएगा, सिंस ऑब्जेक्ट का अल्फा एंगल बन रहा है M1 के साथ में। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. I1 तो क्या है, I1 क्या है आपका, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट P फ्रॉम M1, है ना, M1 से, है ना। और I2 क्या है, इमेज फ्रॉम M2, है ना। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक बात आ रही है ना। अच्छा अब समझो, अगर तुम्हारा I21 निकालना चाहे हम, अब I21 क्या होगा, I21 और I12 क्या होंगे बता सकते हो? I12 आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे बेटा, कोई और बताना चाहेगा? हाँ बताओ मोनिका। इमेज ऑन I2 ड्यू टू I1, और I12 का मतलब होगा इमेज ऑन I1 ड्यू टू I2। ड्यू टू I2 मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू टू I2? मतलब जो मतलब I2 की रिस्पेक्ट में ना I1 की ऑब्जेक्ट शो कर रहा है ना कुछ है। ठीक है एक बार मैं समझाता हूँ, सुन लो, बोलू। Yes, sir. हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। देखो I2 और I1 दो इमेज बन रही है आपकी, है ना, एक तो M1 से बन रही है और एक M2 से बन रही है। अब जो तुम्हारा I2 है, जैसे I2 को पकड़ लेते हैं, I2 दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? Yes, sir. अब I2 देखो, M1 के आगे I2 भी है क्या, समझो ना यार। तुम अगर बेटा एक बार म्यूट कर लो सब लोग, एक बार म्यूट कर लो, ठीक है, एक बार म्यूट कर लो, मेरी बात समझो ध्यान से। ये जो तुम्हारा I2 है, ये तुम्हारा जो I2 है, इसका रिफ्लेक्शन M2 पे तो अब आ नहीं सकता, क्योंकि M2 पॉलिश्ड है ना यहाँ से पीछे से। अरे बात समझ में ही क्या बोल रहा हूँ, M2 पे तो आ नहीं सकता, लेकिन M1 पे तो आ सकता है ना। M1 की तो रिफ्लेक्टिंग साइड है इसकी तरफ, है ना। तो I2 का जो रिफ्लेक्शन आएगा M1 पे, हम उसकी बात कर रहे हैं। I2 का जो रिफ्लेक्शन आएगा, यानी I2 क्या बन जाएगा तुम्हारा, I2 को दिख रहा, I2 दिख रहा है सबको क्या, सबको I2 दिख रहा है? Yes, क्या सबको M1 मिरर दिख रहा है, M1 मिरर? Yes, sir. I2 क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। I2 तुम्हारा क्या बन गया, M1 के लिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। बात समझ में आई? Yes, है ना। तो टोटल, तो समझो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, I2, बेटा एक बार म्यूट कर लो, मैं करूं क्या म्यूट आपको, फिर मैं कुछ बोल रहा हूं आप पीछे से आवाज कर रहे हो, आवाज कैसे आएगी सबको? जब मैं पूछूंगा तब आंसर करना, अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, क्लियर है? Yes, sir. हाँ तो मैं बोल रहा था कि आप लोग जब I2 को देख रहे हो तो आप देखो कि P से उसका कितना डिस्टेंस है, कितने एंगल पे है P से I2, अरे P से कितने एंगल पे है बेटा, 2 बीटा डिस्टेंस पे है ना, 2 बीटा पे, बीटा तो आपका yes. से हो गया yes. है ना yes. तो आपका I2, आपका I2, आपका जो I2 है वो M1 से कितना एंगल पे है ये बताओ, बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा एंगल पे है क्या? यस सर, यस सर।
ये देखो ये आई टू रहा मेरा, इसको मैं अगर यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये आपका एम वन हुआ, ये हो गया आपका एम टू, है ना, यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट था। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे आपका आई टू बना, राइट, ये एंगल कितना था, बीटा था, इसका अनपा रिफ्लेक्शन भी आएगा बीटा पे ही, राइट, और ये एंगल कितना था, अल्फा था, अनपा है ना। तो टोटल एम वन मिरर से, एम वन मिरर से आई टू का ये वाला कितना हो जाएगा डिस्टेंस, अल्फा प्लस टू बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस टू बीटा टू बीटा समझ में आया बात यस सबको। सर बेटा बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो यार आज, तुम लोग मेरे एक को बार रिपीट करूंगी। रिपीट करूं। अच्छा देखो, सर वो मेरा नेटवर्क नेटवर्क नहीं अटक रहा है, आप जो आपके पीछे से कोई और बात कर रहा है उसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रहा है क्लास में। तो आप लोग या तो अनम्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए, या आप थोड़ी शांत जगह पर बैठ जाओ। देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग घर में रहते हो तो आवाज आती है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर, जब मैं समझा रहा हूँ ना, मैं कुछ समझा रहा हूँ बोल रहा हूँ, तब आप उस टाइम पे अपने आप को म्यूट रख लो, है ना, ताकि एक बार मैं समझा दूँ उसके बाद आप अनम्यूट नहीं करके फिर से पूछ लेना, ठीक है। सर, वही नेटवर्क में इशू आ रहा है तो माइक अनम्यूट हो जा रहा है बट म्यूट नहीं हो तो रहा मैं म्यूट कर देता हूँ, चलेगा। है। यस हाँ तो हम कुछ बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आप लोग अगर एम वन को देख रहे हो तो आप उसके लिए कि ऑब्जेक्ट जो आपको देखना है वो आप उसको देखो जो कि रखा हुआ है आई टू पे। आई टू दिख रहा है सबको, यस आई टू दिख रहा है, तो यस आई टू एम वन से कितना दूर है, अल्फा प्लस टू बीटा ही तो दूर है, सर अल्फा तो ये एंगल हो गया और टू बीटा ये एंगल हो गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया, ये अल्फा प्लस टू बीटा ही अल्फा तो हुआ प्लस टू बेटा ना। तो अगर कोई, अगर केवल एक मिरर होता एम वन और उसके लिए केवल एक ऑब्जेक्ट होता आई टू, आई टू अगर एक ऑब्जेक्ट होता बस, तो वो तो टोटल अल्फा प्लस टू बीटा एंगल पे होता ना, इससे बात समझ में आ रही है, बीच यस वाले सब चीजों को इग्नोर सर कर दो, तो ये तो अल्फा प्लस टू बीटा पे होता ना, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी तो अल्फा प्लस टू बीटा पे बनेगा आई टू का, सर तो वो इमेज ही तो है आपका आई टू वन। आई टू वन क्या है, आई टू वन इज इमेज ऑफ आई टू इन एम वन, क्या बात समझ में आई सबको, यस सर आई टू की इमेज एम वन में कितनी दूर बनेगी, अल्फा प्लस टू बीटा पे बनेगी, है ना। ऐसे ही सेम तरीके से आई वन की इमेज भी एम टू में बनेगी, यस है ना, उसको क्या बोलेंगे आई टू, आई वन टू बोल देंगे उसको, है ना, वो कितने पे बनेगी, टू अल्फा प्लस बीटा पे बन जाएगी, सेम तरीके से, समझ में आ रही है बात। यस सर और ऐसे चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आई वन टू की इमेज फिर एम वन में बनेगी, है ना, आई वन टू की जो इमेज है वो फिर एम वन में बनेगी, है ना, तो उसका एंगल फिर और चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ऐड होते रहेंगे एंगल, है ना। यस सर तो हमें कुछ कॉमन तरीका निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए कि कितनी इमेज बनने वाली है टोटल, अरे एक पॉइंट पे आके तो रुक जाएगी ना इमेज, बनती थोड़ी रहेगी इमेज इनफाइनाइट, यस कोई ना कोई ऐसा एंगल आ जाएगा ना जिसके बाद ये मिरर में रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा, बात समझ में आ रही है सबको। तो यस हम टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं बच्चों, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये तुम्हें समझाने के लिए जो मैंने लिखा था, आई होप ये क्लियर है सबको कि ये यस एंगल आया यस कैसे, सर क्लियर है। अगर नहीं है तो आप अभी पूछ लीजिए। अब समझो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स, अब जो थीटा है बच्चों वो यहाँ पे है आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एंगल बिटवीन द मिरर्स, क्या है थीटा, अल्फा एंगल बिटवीन द मिरर्स, जो मिरर है ना आपके एम वन और एम टू, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये आपको कौन बता रहा है, ये आपको कौन बता रहा है, थीटा बता रहा प्लस है ना। तो थीटा के बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि कितना आपके इमेजेस बनेंगे, तो अगर 360 डिग्री को जब आप डिवाइड करोगे थीटा से, अगर वो एक इवन नंबर आता है,
अगर आपका थीटा इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं बच्चों, 360 अपॉन थीटा की जो वैल्यू आई है ना उसमें से माइनस वन कर दो, है ना, तो वो आपका क्या आ जाता है, नंबर ऑफ इमेजेस आ जाते हैं जब इवन नंबर हो, है ना। सेम चीज आप करोगे और ऑड नंबर आ गया अगर, तो आप नंबर ऑफ इमेज के लिए क्या करोगे, 360 अपॉन थीटा माइनस वन ही करोगे सेम चीज, है ना। लेकिन जो नंबर नंबर जो है आपका, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो प्लेस होगा एंगल बाइसेक्टर पे। एंगल बाइसेक्टर समझते हो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अरे बात समझ में आई, अल्फा इक्वल्स टू बीटा एंगल बाइसेक्टर तभी तो होगा। अरे नहीं समझ में आई क्या बात, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, दोनों मिरर है M1 M2 और दोनों के बीच में रख दिया तुमने, एग्जैक्ट बीच में रख दिया, है ना, तो ये एंगल भी अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, या फिर अल्फा इक्वल्स टू क्या है, बीटा है, है ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा होगा अगर 360 बाय थीटा आपका क्या आता है, अगर 360 बाय थीटा आपका ऑड नंबर, तो आप नंबर, तो आप है ना 360 अपॉन थीटा माइनस वन फॉर्मूला तब लगाना जब आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एंगल बाइसेक्टर पे नहीं हो, तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर ये थर्ड वाला लगाएंगे, है ना, 360 अपॉन थीटा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसके दो केसेस बन रहे हैं, इवन के कितने केस बन रहे हैं भाई, इवन का केवल एक केस, ओनली वन केस। जब भी इवन आएगा आपका 360 अपॉन थीटा, तो आप हमेशा नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा माइनस वन कर देना। लेकिन अगर ऑड आ गया, अगर ऑड आ गया, तो फिर ये देखना पड़ेगा आपको कि एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा है या नहीं है। अगर है तो फिर इवन वाला ही फॉर्मूला लगा देना, है ना, इवन वाला ही फॉर्मूला लगा देना, और अगर नहीं है तो फिर एक अलग से फॉर्मूला लगे 360 अपॉन थीटा। अलग से फॉर्मूला तो क्या ही है उसमें, बस माइनस वन नहीं करना होता। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। क्योंकि जब इवन आएगा बच्चों, 360 अपॉन थीटा आपका इवन नंबर आएगा, तो आप एक एक्स्ट्रा इमेज काउंट कर लेते हो, समझो इस चीज को। जब आपका 360 अपॉन थीटा इवन नंबर आ रहा है, तो आप एक एक्स्ट्रा इमेज काउंट कर लेते हो, है ना, तो आपको वो माइनस करनी पड़ेगी नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। लेकिन जब आपका ये ऑड नंबर आ रहा होता है और आपका एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होता, तो आपकी उतनी ही इमेज बनती है जितनी, मतलब उतनी ही इमेज आती है जितनी 360 अपॉन थीटा आपको निकाल के देता है, है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इंटीजर ही नहीं आए, कोई अजीब सा नंबर आ जाए, 4.2 आ जाए, है ना, कोई अजीब सा नंबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करी है वो आपने इस फॉर्मूले से गलत करी है। आपको फिर उसके लिए मैनुअल काउंटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो फिर आपको मैनुअल काउंटिंग करनी पड़ती है। मैनुअल काउंटिंग मैंने करके दिखा दी है, तुमको समझ में आई है? पहले I12 निकालो, फिर उसके I21 निकालो, है ना, फिर उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से कौन कौन से आपकी इमेजेस बन रही हैं फर्दर, आपको वो निकालना पड़ेगा। इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा, 4-5 बार में आ जाएगा आंसर जनरली, अगर इंटीजर नहीं बनता है तो। फोर्थ केस में, क्या ये बात समझ में आई? बाकी इसका एक एग्जांपल मॉड्यूल में भी दे रखा है, उसको भी एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करते हैं, है ना। जो मैंने तरीका सिखाया ना, सेम वही तरीका है, बस एग्जांपल में नंबर, एक नंबर्स के फॉर्म में होता है ना क्वेश्चन, वो आपको थोड़ा और एक बेटर तरीके से समझा देगा। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। आगे चल सकते हैं, एक क्वेश्चन करवा दूं? चलो ये क्वेश्चन का आंसर बता दो फिर। हाँ भाई, दो मिरर रखे हुए इंक्लाइंड एट बाय एन एंगल 30 डिग्री, टोटल 30 डिग्री का एंगल है। एक ऑब्जेक्ट बना रहा है एक के साथ तो 20 डिग्री बना रहा है M2 के साथ, और M1 के साथ बना रहा है 10 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो आपका I1 I2 भी यहाँ पे मेंशन है, I1 2 और I2 1 भी मेंशन है। तो तुमको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहा है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से और एक काउंटिंग इमेजेस से। तो काउंटिंग इमेजेस से भी निकाल लेंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूला से तुम निकाल के बताई दो मुझे कितना आ रहा है, हो जाएगा ना बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूला से 11 आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से का आंसर बताओ कितना आ रहा है सर? 11 सर, 12 नहीं आएगा बेटा। 360 अपॉन थीटा क्या आ रहा है सर? 12 आ रहा है, इवन है ना, माइनस कर रहा है। 360 अपॉन थीटा क्या आ रहा है? 360 अपॉन में 30 डिग्री है ना, ये आया 12, है ना। ये क्या है, इवन है क्या? Yes, sir. क्या करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं इवन के केस में? -1 करते हैं, -1 करते हैं, 12 -1। तो क्या आंसर आ गया आपका? 11। क्या आंसर? तो ये आंसर आया आपका। अच्छा, अगर हमको इसको काउंट करके करना है तो हम कैसे करेंगे भाई?
हमारा फर्स्ट क्या एंगल बन रहा है, 10 डिग्री और 20 डिग्री बन रहा है। यस सर, यस सर। 10 डिग्री और 20 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाला आई वन और आई टू कितना बन रहे हैं, 10 और 20 डिग्री। तो इसमें हमने 30 डिग्री क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अरे 30 डिग्री ऐड करेंगे ना अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा क्या? और इसमें ऐड करेंगे 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। 50 और कितना आया, 40 आया। ये सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, सेम प्रोसेस आप रिपीट करोगे, 30 डिग्री ऐड कर दोगे इसमें। तो ये कब तक आता जाएगा आपका, 30 डिग्री ऐड करो, आता जाएगा ना। अभी कितना हो गया फिर ये, 50 और 30 80 हो गया है ना, और ये कितना हो गया, 70 हो गया। प्रोसेस चलता जाएगा, कब तक चलेगा ये प्रोसेस चलेगा तब तक जब तक आपका एक तरफ 170 आ जाएगा, एक तरफ 160 डिग्री आ जाएगा। इधर आ जाएगा आपका 170 डिग्री और इधर आ जाएगा आपका 160 डिग्री। अब इसमें जब आप और 30 ऐड करोगे तो आप एंगल आपका 180 से ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, आपका एंगल 180 से ऊपर चला जाएगा। तो क्या रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाएगा क्या फिर? नो सर। बात समझ में आ रही है? अगर किसी को ये मिरर है, ये मिरर है M1, राइट? अब तुम एंगल किससे बना रहे हो? अरे इसी मिरर से ही तो बना रहे हो तुम एंगल, है ना? ये मिरर से ही तो बना रहे हो एंगल। ये देखो यहाँ पे एंगल है ना, उसके बाद तुमने यहाँ एंगल बनाया, यहाँ एंगल बनाया, यहाँ एंगल बनाया। अगर मेरा थीटा 180 डिग्री हो जाए तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट? यस सर। इक्वल्स टू 180 पे, तो ये थीटा इक्वल्स टू 180 पे भी क्या रिफ्लेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। yes, sir. No, sir. लॉन्ग साइड रख दिया और मिरर के भी पीछे रख दोगे तो यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना? क्योंकि ये तो पॉलिश्ड साइड है ना, पॉलिश्ड साइड थोड़ी ना रिफ्लेक्शन होगा। क्या मेरे लॉजिक समझ में आया, बताया जो लॉजिक समझ में आया? यस सर। यस सर। ये आपके फाइनल एंगल्स होंगे, तो ऐसे करते करते आप एंगल काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और इनमें से एक कॉमन एंगल होगा तो उसको आप हटा दो, हटा सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली आपका टोटल आ जाएंगे 11, है ना? बात समझ में आई? यस सर। यस सर। नहीं आई? आ गई सर, आ गई समझ, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि अगर आप काउंटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा लंबा ही हो जाता है, तो मैं तो आपको सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप जो है फॉर्मूला यूज करो। अगर फॉर्मूला यूज कब नहीं कर पाओगे, जब इंटीजर नहीं आएगा 360 अपॉन थीटा, तो उस केस में फिर अनफॉर्चुनेटली काउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है? आगे चले। यहाँ पे मैंने इमेज फॉर्मेशन पूरी एक्सप्लेन करी हुई है। एक्सप्लेन क्या करी हुई है, तुम्हारे लिए डायग्राम बनाया, ये वही डायग्राम है, याद करो इसको, जो तुम बचपन में ड्रॉ कर करके याद करते थे। yes, sir. बचपन में बनाते थे ना सारी पोजीशन। आप पीडीएफ में मैंने आपके लिए सेव कर लिया कि भाई इसको जब भी तुम कभी भी डाउट वाउट आया, कुछ सॉल्व कर रहे हो तो याद भूल गए तो इसको मस्त आप याद कर लो, देख लो, है ना? अच्छा, इसको बना लिया करो। वैसे तो ऐसी चीजें तो आपके रूम में होनी चाहिए। तुमको पता है मेरे रूम में कम से कम नहीं तो 30-40 तो पेज चिपके हुए होते थे मिनिमम, है ना? बहुत डांट पड़ती थी मुझे मम्मी से मेरी, क्योंकि पूरी दीवारें खराब कर दी थी मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि सब चीजों का मैं फॉर्मूला लगा देता था दीवार पे। उससे पता है क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कॉपी में रहेगी तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर आंखों के सामने जो चीज दिखती है ना, उस चीज का आपको ब्रेन है ना प्रोसेस करता है। बात समझ में आ रही है? एक बार बताया था मैंने, याद है, AI R1 लिख देते हैं बच्चे कि मुझे तो फर्स्ट रैंक आती है। फर्स्ट रैंक आ थोड़ी आती है लगाने से, लेकिन उसको लगाने से थोड़ा बहुत ये याद आता है कि यार AI R1 वाला बच्चा कितना पढ़ रहा होगा, है ना? वो कितनी मेहनत कर रहा होगा। तो मेरी मेहनत तो बहुत ही कम है, तो मुझे अपनी मेहनत बढ़ानी चाहिए। देखो, जो बच्चा अपना खुद का भला चाहता है, जो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, है ना, सबके लिए, वो तो इन्फ्लुएंस होगा उससे। और अगर कोई ऐसा है उसको मतलब ही नहीं है कि यार क्या ही दिक्कत है, लाइफ में आए चले जाएंगे, है ना, तो फिर तुमको फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है? लेकिन आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ चीजें तो एटलीस्ट अपने वॉल पे या आप टेबल पे या कहीं भी नोटबुक पे पेज में पेस्ट जरूर करो। इसका बहुत फर्क पड़ता है माइंडसेट पे, है ना? अगर आप करते हो ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो बताओ, ठीक है? तो ये चीजें करो, कोई बात नहीं, दीवारें खराब हो जाएंगी, वापस सही हो जाएगी, ठीक है? लेकिन तुम्हारा करियर बन जाएगा एक बार, तो फिर कभी खराब होने की दिक्कत नहीं आएगी, है ना? उसके बाद फिर लाइफ में मजे ही मजे,
तो ये एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, इमेज फॉर्मेशंस सर, ये पढ़ चुके हो आप नॉट लोग, सर, में कोई यस बच्चा सर, यस सर, बता दो बेटा, अगर किसी को समझना है तो आप पूछ लीजिए, मैं समझा दूंगा, कोई पूछ नहीं रहा। आता है सर समझ में, आता है ना? यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या सर बच्चों? अच्छा पहले हो रही थी अब अभी ठीक सर। अभी ठीक है, बता दिया करो यार, अनम्यूट करके बता दिया करो, इनफैक्ट है ना ऐसी चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है बताने में। ठीक है आगे चलते हैं। तो ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिक, के आपको बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सारे इमेज फॉर्मेशंस पता होने चाहिए। पता होना का मतलब ये नहीं है कि तुमको रे डायग्राम बनाने आते हैं केवल, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि उसका साइज कैसा आएगा। जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि यार फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में, फोकस और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया तुमने अगर, तो तुम्हारी साइज ऑफ इमेज क्या आती है? तो आपके मुंह से हाथों हाथ निकलना चाहिए एनलार्ज। क्या बोलोगे तुम? कि एनलार्ज आती है। अच्छा मैंने याद कैसे किया एनलार्ज कैसे आती है? फोकस सर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में स्मॉल बेटा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बोला, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में नहीं बोला ऑब्जेक्ट मैंने। सर, इन्फिनिटी और तो सेंटर वहां ऑफ पे भी कर्वेचर स्मॉल बीच ही में लिखा है। एनलार्ज है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामने भी। क्या हो गया इसको बेटा? ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है, इसका साइज ऑफ इमेज क्या आएगा? एनलार्ज 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 क्या बात हो गई, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है बच्चा? हाँ जब आप फोकस पे रखते हो ऑब्जेक्ट को, फोकस पे रखते हो जब आप फोकस पे रखते हो ऑब्जेक्ट को तो बढ़ता जाता है ना। अरे बात समझ में आ रही है? जब सर। तुम्हारा इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो हाँ सॉरी बहुत ही सॉरी सर, छोटी गलत इमेज बन जगह गई। देख, अरे गलत, तुम गलत बोल रहे हो तो पता है मुझे, पर तुम जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मैं अपनी फिजिक्स भूल गया 2 सेकंड के लिए, क्योंकि तो मैं ऐसा लग रहा था कि मुझे जबरदस्ती आज तो मनवा के मानेगी कि सर मानना पड़ेगा आपने, मैंने बोला तो मानना ही पड़ेगा अब तो ठीक है, तो इतना भी मत वो ओवर पावर किया करो यार तुम। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख सॉरी लिखो सर, है ना, तो इसका क्या आएगा साइज ऑफ इमेज एनलार्ज। ठीक है, एल इसको समझते कैसे, एल याद करने का तरीका क्या होता है कि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है तो उसकी इमेज छोटी बनेगी बनेगी। यस सर, अगर आप चांद की इमेज बनाते हो कॉनकेव मिरर में, बनाना चाहते हो चांद की इमेज ना मून की, तो बहुत छोटी सी तो दिखता है मून तुम्हें, बहुत बड़ा मून थोड़ी दिखने लग जाता है स्क्रीन पे ऑब्टेन यस करना है सर, ना, तो बहुत दूर है तो बहुत छोटी इमेज है। तो जैसे ऐसे पास आ रहा है, तो जैसे इन्फिनिटी से पास आता है तो पहला पॉइंट जो हम कंसिडर करते हैं वो 2f करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं, राइट है ना। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होता है ऑब्जेक्ट है ना, तब आपका छोटा छोटा दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाता है पूरा, तब तो बराबर बन जाती है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बन जाती है यस ना। तो यानी कि छोटे से इमेज बढ़ रही है अब धीरे धीरे, तो जैसे और आगे चलोगे तो थोड़ी और बड़ी बन गई, एनलार्ज बनने लग गई। ठीक है, फोकस पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ी बनेगी इमेज है ना, वेरी लार्ज बनेगी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये तो तुम्हें रटने की सर, जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा जब आएगा है ना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आ जाएगा, एक बार इसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है यार, इसको करो सॉल्व, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। अच्छा इसके वो प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सब तो बता दिए थे मैंने स्फेरिकल मिरर के, उसमें वापस नो रिपीट करने की जरूरत है क्या? सर, है ना, पता है ना नो, सबको? हाँ यस सर, तो मिरर फॉर्मूला लगेगा इसमें, लगाओ।
नहीं हो पाया क्या? नो डिस्कस सर। कर दो सर, क्या बात हो गई यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो तुमने नॉर्मल मिरर रख दिया, नॉर्मल मिरर यानी प्लेन मिरर, नॉर्मल तो दोनों मिरर नॉर्मली होते हैं, है ना, एक तो प्लेन मिरर रख दिया राइट, और एक दूसरा कौन सा मिरर है? कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बताओ, कितना कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। कंकेव। हाँ तो कॉनकेव ही तो है, और क्यों कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इसमें? कंकेव है सर। आपको दिख नहीं रही क्या इसकी, इसका जो पॉलिशिंग है वो पीछे की तरफ है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड कर्वेचर अंदर की तरफ है। हाँ दिख रहा है, तो फिर कौन सा मिरर होगा? और ये ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा देखो, समझ आपको ये फाइनल इमेज पोजीशन निकालनी है ना, वी निकालना ना, वी है ना, यस रिफ्लेक्शन होंगे, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होंगे, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होंगे है ना, तो सबसे पहले तो इसका फोकस लिखो, कर्वेज का, कॉनकेव मिरर का फोकस कितना होगा भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आरओसी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर। तो यस सर, अगर ये नहीं पेन आएगी फोकस तो पूछ लो माइनस सर कितना आ जाएगा फोकस, -10। बेटा कॉनकेव मिरर है ना, यस सर, प्लस कॉनकेव मिरर है ना, आपका जो रिफ्लेक्ट इमेज बनेगा, आपका जो इमेज बनेगा अगर आप ऑब्जेक्ट को ले रहे हो, फोकस आपका -10 आया ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका 15 आया, तो ऑब्जेक्ट आप माइनस लोगे तभी तो आपका मिरर जो प्लेन मिरर है उसके मुकाबले इधर की तरफ बनेगा लेफ्ट साइड में। अरे बात समझ में आई, अगर आपका इमेज बन रहा है कॉनकेव मिरर से, तो अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो प्लेन मिरर में किधर बनेगा, राइट साइड में बनेगा। एक यस रिफ्लेक्शन तो आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर से, और एक रिफ्लेक्शन आपका किससे हो जाएगा, प्लेन मिरर से। अब जो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा ठीक है, उसके बाद एक थर्ड रिफ्लेक्शन कर्व्ड मिरर से फिर से होगा। पहला तो आपका यस सर मिरर से हुआ, उसके बाद प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद आपका कर्व मिरर से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, देखो बोलो ना, ये देखो ना ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ बेटा, थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद निकालना है आपको। अरे क्वेश्चन पढ़ा था तुम लोगों ने, निकालना है, ऐसा थोड़ी रुक जाएगा तीन के बाद, तीन के बाद और होगा। अरे दो मिरर लगे हुए हैं तो होता रहेगा ना रिफ्लेक्शन, तो जब तक कि एंगल ऐसा नहीं हो जाता कि वो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाए। यस सर। मेरी है ना, रिफ्लेक्शन तो होते रहेंगे, अभी हमने पढ़ा ना दो मिरर जब होते हैं तो रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, है ना, लेकिन तुमको जो इमेज की पोजीशन निकालनी है वो तो तीन के बाद निकालनी है, हाँ है ना। अरे यार यस सर, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन का निकालते हैं पहले, तो इतना कंफ्यूज नहीं होते, पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन निकालते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए u मेरे को दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, है ना, फोकस दिया हुआ है कितना -10 सेंटीमीटर, मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v = 1 + 1/u = 1/f, ये लगाऊंगा ठीक है, तो v कितना आ गया मेरा, इससे कैलकुलेट कर सकते हो गया -30 सेंटीमीटर, ये आया क्लियर है, -30 सेंटीमीटर का आया, का मतलब क्या है कि अभी तक भी यहीं पे रहेगा ये, कहीं इस जगह पे रहेगा कहीं ऑब्जेक्ट, है ना, 40 है ना क्योंकि टोटल ये है ना। यस सर, इसका इस प्लेन मिरर से, इसका इस प्लेन मिरर से भी तो आएगा रिफ्लेक्शन, है ना, यस यस सर, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, अगर u सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, अगर u मेरा फॉर प्लेन मिरर, इसके लिए लिख देते हैं प्लेन मिरर, सेकंड रिफ्लेक्शन मेरा हो रहा है प्लेन मिरर से, है ना, तो इसके लिए अगर u मेरा -10 है, u मेरा कितना है -10, तो v मेरा कितना होना चाहिए +10, यस सर, u का मतलब जब भी माइनस में कोई चीज आ रही है तो मतलब वो रियल है, और जब भी प्लस में कोई चीज आ रही है तो उसका मतलब वो क्या है, वर्चुअल है। तो कॉनकेव मिरर से तो आपका ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। अब जो प्लेन मिरर से बनेगी इमेज वो तो यहाँ पे कहीं बनेगी ना वर्चुअल, अरे यहाँ पे कहीं बनेगी ना, इस जगह ऑब्जेक्ट आएगा, इस जगह आएगी ना इमेज, अरे बेटा इस आएगी ना इमेज, फर्स्ट वाली तो, सेकंड वाली तो सॉरी, फर्स्ट वाली तो यहाँ बनी गई I1, तो यहाँ पे जो इमेज आएगी वो वर्चुअल होगी, तो वो 10 ही तो होगी, अगर 10 डिस्टेंस ये है,
ये डिस्टेंस आपका 10 हो गया, तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए प्लेन मिरर से? 10 होना चाहिए, है ना? अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये टोटल डिस्टेंस 50 हो गया क्या? 50 हो गया क्या, है ना? यस सर, यस सर। ये ऑब्जेक्ट थर्ड रिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद बताना है ना हमको इमेज डिस्टेंस। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या वो रियल है? क्या वो रियल है? क्या वो वर्चुअल है? ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर दूर है, ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है, लेकिन क्या ये रियल है या ये वर्चुअल है, ये कौन बताएगा मुझे? अच्छा, वर्चुअल वाले हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड जो बोल रहे कि वर्चुअल है सर, ये ऑब्जेक्ट आपका जो रहेगा ये वर्चुअल रहेगा सर। क्लास में ध्यान नहीं है क्या तुम्हारा? रियल वाले हाथ ऊपर करो सर, वर्चुअल वाले हाथ ऊपर करो फिर, जिनका वर्चुअल है आंसर वो हाथ ऊपर करो। और जो सो गए हैं वो आंखें ऊपर करो, ठीक है? काजल और तमन बोल रहे हैं ये वर्चुअल। बेटा देखो, समझो, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जो भी तुम्हारी इमेज आई टू, वो जब ऑब्जेक्ट बन गया, जब वो ऑब्जेक्ट बन गया तो वो इमेज तो रहा नहीं है अब। क्या वो इमेज रहा है क्या? अब इमेज नहीं रहा है ना, अभी वो ऑब्जेक्ट, अभी उसको ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे ना बेटा, है ना? जब तुम उसको ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो और जब तुम बात कर रहे हो एक कॉनकेव मिरर से उसके रिफ्लेक्शन की, तो उसके लिए तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ही है ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो माइनस में आएगा, बात समझ में आ रही है? अभी इमेज नहीं है वो, अभी वो आपके कॉनकेव मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो इस केस में, इस केस में इमेज कैसे निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वही सेम मिरर फॉर्मूला है ना, एफ तो अभी भी माइनस टेन ही है, एफ तो माइनस टेन ही है इसका, कॉनकेव मिरर का एफ थोड़ी बदल जाएगा, माइनस टेन ही रहेगा, तो फोकल लेंथ, है ना? तो कितना आ जाएगा भाई, 1/v + 1/u = 1/f से कितना आ जाएगा v? 12.5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लोगे? अरे यार यू बता दिया, अभी तो निकाल ही सकते हो, इतना तो कर ही लोगे, है ना? तो ये आपका आंसर है इसका, -12.5 सेंटीमीटर। अब बताइए किस किस को समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्की? नो सर। बेटा हाँ ना तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। यस सर। ठीक है, आगे चले। चलो फिर एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन कर दीजिए। एक इमेज है, एन इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज, यानी कि एक कैंडल की जो इमेज मिली स्क्रीन पे वो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल थी, ठीक है? आगे बोल रहा है कि जो कैंडल है आपकी उसको शिफ्ट कर दिया आपने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, है ना? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दिया आपने, समझना क्वेश्चन, ठीक है? और जो इमेज बनी है वो ट्रिपल बनी है साइज की, अगर आप शिफ्ट कर देते हो 5 सेंटीमीटर कैंडल को, अगर आप शिफ्ट कर देते हो 5 सेंटीमीटर तो आपकी इमेज बड़ी हो जाती है, इमेज क्या हो जाती है, मैग्नीफाई हो जाती है ना, बड़ी हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है साइज में। तो आपको नेचर बतानी है पहली बात तो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है मिरर का, है ना? नेचर का मतलब क्या होता है कि कौन सा मिरर है, यही बताओगे, कॉनकेव है कॉनवेक्स है, है ना? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो कितनी है, आर बता दो, है ना? एफ निकालोगे तो आर भी निकल जाएगा, है ना? तो ये बता दो चीजें, कर पाओगे क्या? एक इसमें एक वाले का तो तुम्हें मतलब एक ऑप्शन का तो आंसर तुम्हें हाथों हाथ बता देना चाहिए, अगर तुम सही से क्वेश्चन, आपने तो भी बताया कि गरम मून की इमेज कॉनकेव में देखेंगे वो छोटी दिखेगी, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उससे ही हमने देख लिया कि गरम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो इमेज बड़ी बनेगी। अच्छा जी, इससे समझ में आया तुम्हें? इससे समझ में नहीं आ रहा कि स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो इमेज? बेटा स्क्रीन पे कौन सी ऑब्टेन करी जा सकती है इमेज, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। ठीक है,
नोट्स रिवाइज कर लेना एक बार, है ना, अगर आप क्लास लीव कर रहे हो तो नोट्स पढ़ लेना एक बार, ठीक है? यस सर। फोन चार्ज कर लिया करो यार, अगर लाइट वाइट आ रही हो तो, लाइट नहीं आ रही तो क्या ही करोगे, तुम्हारी गलती नहीं है। चलो तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, रियल इमेज, रियल इमेज है क्यों, क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है क्या? वर्चुअल इमेज कैसे ऑब्टेन करोगे स्क्रीन पे भाई, कौन कर रहा है वर्चुअल इमेज ऑब्टेन, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं, वर्चुअल इमेज रियल हो सकती है, रियल वाली हो सकती है, तो रियल इमेज ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पे मतलब कॉनकेव मिरर से बन रही होगी, रियल इमेज तो उससे बनती है ना, तो कॉनकेव मिरर है, पहली बात तो क्लियर हो गई। चलो बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अगर कॉनकेव मिरर है तो फिर तो तुमको काफी चीजें पता चल गई, अब तो तुमको सीधे क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी फोकल लेंथ, तो बातें मत करो आंसर निकाल के दो। कृपया आंसर निकाल के दे, फिफ्टी सेंटीमीटर बता रही है फाजा, सॉल्व किया है? Yes, sir. पूछूंगा मैं कैसा है? Yes, sir. कैसे आया बताओ? सर m is equal to f upon f minus p. सर 15 होगा, कितना होगा चैट में लिखो, चैट में 15 नहीं गलत है, 50 भी गलत है, और पर मैं तरीका जानना चाहूंगा कैसे किया गया। सर m is equal to f upon f minus u का फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा फिर फिर सर इक्वेशन बनाई, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 है माइनस 2 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। खुद से किया है पक्का? यस सर। देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद खुद को जवाब दो, ठीक है? पर गलत है आंसर, तो अगर सही तरीका है क्योंकि, तो आंसर तो गलत नहीं आना चाहिए, चेक करो और कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हुई है, ठीक है? आंसर बताओ भाई, हाँ या तो डिस्कस लिख दो आंसर,
करें, डिस्कस करें। भाई मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूले पता होने चाहिए तो तुम्हें। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये पता है? मिरर फॉर्मूले से आता है ये, है ना, एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जब इसको तुम डायरेक्ट यूज करोगे तो मैग्नीफिकेशन स्टार्टिंग में कितना है, डबल साइज का है, है ना, तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस होता है ना, माइनस वी अपॉन यू, है ना। तो इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट क्या रखते हैं, वी अपॉन यू रखते हैं बेसिकली, तो माइनस के साथ रखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ द साइज कैंडल जो बन रही है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में हम रख देंगे माइनस के साथ में। तो पहले ट्वाइस बन रही है ना, डबल साइज की बन रही है ना, डबल इट साइज, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, टू हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब एफ तो हमको पता नहीं है, एफ तो कैलकुलेट ही करना है क्योंकि, है ना, लेकिन यू, यू का हम जुगाड़ कर सकते हैं, यू हम कहीं से अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एफ माइनस अगर मैं यू की जगह लिखूं, क्या यू लिखूंगा पहले तो, क्योंकि पहले यू को चेंज नहीं किया है तुमने, समझ रहे हो। ये हुआ हमारा केस फर्स्ट। केस टू में क्या किया है, केस टू में तीन गुना हो गई है तुम्हारी साइज, है ना, तीन गुना कैसे हुई है केस टू में, तीन गुना कैसे हुई है, क्योंकि तुमने इमेज, अच्छा फोकल लेंथ चेंज होगी क्या, फोकल लेंथ चेंज होगी क्या, नो सर, फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, फोकल लेंथ तो प्रॉपर्टी किसकी होती है, मिरर की, मिरर की, मिरर की। तुम फोकल लेंथ चेंज कर दोगे ना, यहाँ पे हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यू प्लस फाइव, क्या हो जाएगा यू प्लस फाइव, प्लस फाइव क्यों होगा, क्योंकि तुमने शिफ्ट किया है 5 सेंटीमीटर दूर। अच्छा 5 क्यों हुआ, प्लस 5 क्यों हुआ, यू माइनस 5 भी तो हो सकता था, प्लस 5 क्यों हुआ बताओ, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो साइज ऑफ रियल वो इंक्रीज कब करता है, जब रियल ऑब्जेक्ट को पास मिरर के टुवर्ड्स लेके जाते हैं, टुवर्ड्स लेके जाया जाता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई सबको, आपका x कोऑर्डिनेट तो बढ़ना चाहिए ना, x कोऑर्डिनेट तो बढ़ना चाहिए, है ना, x कोऑर्डिनेट कब बढ़ेगा, जब आप माइनस में प्लस को ऐड करोगे, अगर माइनस में माइनस को ऐड करते जाओगे तो कम होता जाएगा ना वो, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस फाइव आ जाएगा, u प्लस फाइव आ जाएगा बेसिकली। तो u प्लस फाइव आपका हो गया नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। अब ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा भाई, एफ आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 आएगा ऑब्वियसली कॉनकेव है तो, है ना, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया बोलो, 50 सेंटीमीटर नहीं 60 बेटा, फोकल लेंथ का दुगना होता है ना बेटा, रेडियस r इक्वल्स टू 2f ही तो होता है, क्या हुआ इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हो सर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक u भी तो आएगा ना, उसकी जगह क्या फिल करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए, बेटा दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यस सर, क्या यस सर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो सॉल्व करते हैं तो कोई u थोड़ी आता है, एलिमिनेट हो जाएगा वो तो, अरे यार एक इक्वेशन बनाओ u की और दूसरे में u की जगह वो रख दो इक्वेशन की वैल्यू, तो f की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यस सर, करके दिखाऊं क्या, नो सर, कर लोगे, यस सर, बाकी बच्चे बताओ यार, यस सर, बेटा अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, ऐसे घबराया मत करो तुम, मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या पूछने के लिए, क्यों परेशान हो रहे हो, आप दो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, दो वेरिएबल्स है, आपका आंसर निकल जाएगा, क्या नहीं आया बेटा, समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं आया सर, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई डाउट नहीं है, डाउट होगा अच्छा, तो पूछेंगे, अच्छा डाउट होगा तो पूछो, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करते हैं। सो ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला केस लेते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि अगर आप लेट से के से ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप कॉनकेव मिरर के सामने,
ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सेस बनाया तुमने, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस केस में आप मैग्निफिकेशन तो अभी भी ऐसे लिखोगे एस टू अपॉन एच वन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, है ना, तो एच टू तुम्हारा आ जाएगा माइनस वी बाई यू इन टू एच वन, ये तुम्हारा हाइट ऑफ क्या आया है, इमेज, इमेज हमने लिखा है। तो अब समझो हम क्या आगे बात कर रहे हैं, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया तुमने उसको परपेंडिकुलर मूव कराया, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, क्या वो चेंज होगा क्या? नो सर। यस सर। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो जब तुम्हारा ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां भी तो सेम है, यहां भी सेम है, ये अरे मूव थोड़ी ये थोड़ी तो ये थोड़ी चेंज हो रहा है, तुम तो वाई एक्सिस पे बढ़ रहे हो ना बेटा। यस सर। बहुत बहुत हल्के डिस्टेंस तक बढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी मिरर के बाहर निकल जाते हैं, है ना, बहुत छोटे डिस्टेंस तक बढ़ते हैं, है ना, कॉनकेव मिरर ऑलरेडी छोटे होते हैं तो उनको हम बहुत ज्यादा ऐसे बड़े स्केल पे नहीं देखते हैं, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे देखते हैं, है ना, हम जो फॉर्मूले लगाते हैं ना, ये मिरर फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, तुमको बताया था ना ये कि छोटे एंगल्स के लिए होता है, अगर आपका सिमिलर ट्राइंगल्स ही आप लगा नहीं पाओगे, पास ऑन मारी अपने जो अप्रोक्सीमेशन ले रखे हैं जिससे हमने फॉर्मूले बनाए हैं मिरर फॉर्मूला स्पेसिफिकली, वो हमने हम कैसे बना पा रहे हैं कि हमारे जो डिस्टेंसेज है हमारा जो मिरर है वो बहुत छोटा है, है ना, पास ऑन मारी है ना, एंगल्स बहुत छोटे हैं, और ऊपर से हमने कौन सी रेज के बारे में बात करी थी, पैरेक्सियल रेज के बारे में बात करी थी, याद आ रहा है, पैरेक्सियल रेज होती है ना, उन रेज जब वो रेज होंगी इंक्लूसिव होंगी इंक्लूडेड होंगी जब, तो ही हम निकाल पाएंगे उस फॉर्मूले को लगा के आंसर, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की और इमेज डिस्टेंस की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइट की, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। जब हम हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी कॉन्स्टेंट रहने वाला है, राइट? यस सर। है ना, चेंज नहीं होगा क्योंकि हम केवल क्या है वाई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, y डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, x डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं क्या हम? नहीं, है ना। तो अब हम h2 यानी कि इमेज की हाइट उसको निकाल रहे हैं, किसके समय किसका रेट निकाल रहे हैं उसका, टाइम के साथ में, यानी कि टाइम के साथ में तुम जब जैसे जैसे सुनना, तुम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके, तुम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहे हो, दूर जा रहे, तो आपका जो हाइट है इमेज का भी, क्या वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा क्या? होगा ना, तो कैसे निकालेंगे इसको, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम करो डी एच टू बाई डी टी माइनस वी बाई यू डी एच वन बाई डी टी, समझ में आया? यस सर। है ना, इसमें जो dh1 by dt होता है ना, ये होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और dh2 by dt क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये याद रहेगा सबको? यस सर। ठीक है, तो ये सेम तरीके से हम अलोंग द साइड, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या करेंगे हम डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, dv by dt निकाल देते हैं उसमें, है ना, dv by dt क्या निकल जाता है उसमें हमारा, velocity of image along the principal axis, जब along the principal, ये dv velocity नहीं है, sorry, ये, हाँ, ये dv velocity नहीं है, ये dv क्या है, ये v क्या है, distance of image from the principal, image distance है, ये confuse मत होना, पता चले acceleration लिख के आ गए तुम, है ना, वो मत लिख, वो मत खंडना, ठीक है, तो जब इमेज आप अलोंग द एक्सिस निकालोगे तो आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, तो आपने पहले तो इसको हाइट को डिफरेंशिएट किया तो आपका क्या आ गया, dv by dt आ गया, है ना, dv by dt आप डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा माइनस v अपॉन u स्क्वायर, देखो ना इसको इक्वेशन वन को फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो ये dv by dt में आपका जो dv आएगा, dv by dt आएगा वो पूरा क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, dv by dt पूरा क्या आएगा, velocity आएगा, है ना, dv by dt is the velocity of image along the principal axis, और du by dt क्या है,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, डीयू बाई डीटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई सबको? यस सर। इस पे क्वेश्चन आते नहीं है पर अगर कभी आते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है कि क्या होता है। ठीक है, एक लास्ट न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसके बाद आपका रिफ्रैक्शन चालू हो जाएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला में कुछ नहीं होता, एक्स एंड वाई डिस्टेंसेस होते हैं बेसिकली अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपका एक्स होता है और वाई आपका होता है इमेज डिस्टेंस, है ना। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब 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 डिस्टेंसेस हमारे जो होते हैं वो मेंशनड होते हैं या फिर पूछे जाते हैं फोकस से, फोकस से जब डिस्टेंस पूछे जाते हैं। बात समझ में आई? अभी तक हम मिरर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फोकस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और अब एक्स और वाई क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड इस ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, है ना। किसके रिस्पेक्ट में है ये, विद रिस्पेक्ट टू फोकस। बात समझ में आ रही है सबको, है ना। देखो ना, पोल की जगह हम कहां से ले रहे हैं, फोकस से ले रहे हैं, तो यू क्या हो गया, माइनस एफ प्लस एक्स हो गया। यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें, इस वाले को अगर हम सॉल्व करें, अगर यू हमारा है माइनस ऑफ एफ प्लस एक्स, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, यू प्लस एफ हो जाएगा क्या, है ना। तो यानी कि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ये फोकल लेंथ भी ऐड कर दी है। तो अब हम फोकल लेंथ या फोकस के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो हम न्यूटन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये यूज होता है कई बार जब आप क्वेश्चन को फोकस के रेफरेंस में देख रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि ऐसा आपको पूछ लिया जाता है कि भाई फोकस से आपकी कितनी डिस्टेंसेस दे रखी है ना, तो आप ये बता दो कि भाई कितना आपका आएगा फोकल लेंथ, मिरर का ओरिजिनल फोकल लेंथ, है ना। तो उसमें आपका ये यूज होगा, और कहीं यूज नहीं है इसका। न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, न्यूटन जी ने दिया था ऑब्वियसली, सो दैट्स व्हाई वी यूज इट। वेलोसिटी ऑफ इमेज हम बात कर ही चुके हैं, रिफ्रैक्शन पे आते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुम लोग पढ़ चुके हो एक बार ऑलरेडी 9th क्लास में, तो राइट तो थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि लाइट हमारी बाउंस बैक हो जाती थी, राइट। तो अभी क्या होती है इसमें, अब क्या होती है, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी यानी कि दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है। ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट द लाइट रे मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो हमेशा पूरा कंप्लीट रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होता, या आपने पढ़ा होगा पार्शियली होती है चीजें, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा, है ना, थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी होता है बीच में, जो आपकी जो सरफेस है वो एब्जॉर्प्शन भी कर सकती है, राइट। तो अगर हम इसको समझें तो हमारा बेसिकली जो भी समझने वाला पार्ट है वो केवल इस पर डिपेंड करेगा कि हमारे रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन कितना है, और हमारा जो सरफेस है उसका कैसा नेचर है, ठीक है। इनके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफाइन ही कैसे होता है, एक मीडियम की कंपेरिजन में दूसरे मीडियम में जो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसी है, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी यही होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। And what do we, how do we define it? Mu equals to C upon B. So that's how we write it. कैसे define करते हैं इसको? The factor by which the speed of light reduces as compared to the speed of light in vacuum. यानी कि जब vacuum में तुमने light को दौड़ाया, वो चली C से. कितनी speed से चली वो? C से चली. Speed of light जो बोलते हैं, 3 into 10 to the power 8 meter per second. यही होती है? Yes. तो ये वैक्यूम में तो इतने से चली, लेकिन जब तुमने इसको पानी में दौड़ाया, जब तुमने इसको पानी में दौड़ाया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो रिड्यूस कितने फैक्टर से होती है, वो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। बात समझ में आई अब, ठीक है। यस सर। सो दीज आर सम फ्यू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टिंग, ये सेम जो लॉ उसमें पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन में, सेम वही रहते हैं सारे, है ना। बस इसमें क्या रहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है। स्नेल्स लॉ,
ये कौन सा रहता है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ अ गिवन लाइट ऑफ अ गिवन फॉर लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ साइन आई अपॉन साइन आर विल बी कांस्टेंट। आई और आर पता है ना क्या है? यस सर। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन, अच्छा आर जो है इसमें रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कंफ्यूज मत होना। रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है। तो आपका जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो एन टू बाई एन वन होता है, एन वन बाई एन टू नहीं होता है ना। तो इसका जो आगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालते हो जब बनता है रिजल्ट, वो क्या बनता है, एन वन साइन वन आई इक्वल्स टू एन टू साइन आर। दिस इज स्नेल्स लॉ, याद रह गए, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले भी है ना। यस, इसको यूज करना आना चाहिए, आपको यूज करना सीखना इसको, मेन तो है। सो हियर इज अ क्वेश्चन, यू कैन डू इट इन होमवर्क, ठीक है। पैरेलल स्लैब जो है वो कर लेते हैं आज, ठीक है। पैरेलल स्लैब तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं ताकि हम टीआईआर स्टार्ट कर सके। एक क्वेश्चन है, ये मैंने होमवर्क में दिया है बच्चों, इसको कर लोगे ना? यस सर। स्नेल्स लॉ पे बेस करिए, जस्ट टू टेस्ट कि आप लोगों को आता ही, इसलिए मैंने दिया। अगर नहीं आता तो फिर मैं इसको क्लास में डिस्कस कर लूंगा, बता दें। तो रिफ्रैक्शन हम बात करते हैं पैरेलल स्लैब से, तो ये भी तुमने पढ़ा हुआ है पहले, पढ़ा हुआ है ना ये? Yes, sir. है ना? तो इसमें हम बस कुछ चीजें याद रखेंगे कि आपका आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक लाइट रे होती रिफ्रैक्टेड रे। Yes, sir. ये हो गया आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और यही आपकी बाद में क्या बन जाती है, इमर्जेंट रे। क्या बन जाती है बाद में ये? इमर्जेंट रे। और ये इमर्जेंट रे क्या होती है, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे अगर आगे जाती, इसको प्रोजेक्ट करेंगे अगर हम, तो फिर इसके पैरेलल निकलेगी। तो ये जो डिस्टेंस होता है डी डिस्टेंस, द डिस्टेंस इन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर द स्लैब, है ना, व्हेन इट इज गोइंग थ्रू सेकंड डिफ्रैक्शन, वहां से लेकर आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली रे पे जब आप डिस्टेंस लोगे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है डी, है ना। तो आप इसका वैल्यू अगर आपको इसे पूछ ले, इसको शिफ्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट, है ना। अरे शिफ्ट बोलते हैं इसको, जो कितना शिफ्ट हुई है ये लाइट यहाँ जाने वाली, यहाँ से कितनी शिफ्ट हो गई है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, है ना। अगेन हमने ये सिमिलर ट्राइंगल से निकाला है, हो जाएगा। यस सर। पाइथागोरस से भी आप इसको निकाल सकते हैं, कॉस आर कितना होता है, बी अपॉन एच होता है ना। यस सर। है ना, आर आपका ये है, सही एंगल, ये वाला एंगल आर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, जब ये एंगल आर हो जाएगा तो बी आपका हो जाएगा कितना, बी आपका हो जाएगा टी साइन आई माइनस आर अपॉन डी। तो ये डी ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो इसको तुम्हें इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये, बट अगर आता है क्वेश्चन इस पे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, राइट। इसको और एक्सप्लेन करना है, मन में आया या नहीं आया? आ गया सर। तो एक क्वेश्चन है इस पे भी, इसमें भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्लैब पे क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में ले लो, इसको कर लेना, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्पोजिट स्लैब, जब भी बहुत सारी स्लैब्स होंगी, कॉम्पोजिट यानी बहुत सारी, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ नंबर ऑफ पैरेलल मीडिया कैसे निकालेंगे हम, तो हम अपेरेंट डेप्थ जो होती है ना डी, हम निकाल रहे थे इतनी देर से, है ना। तो उसमें हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे बहुत सारी का, एन वन रिलेटिवली, रिलेटिव निकाल देना, रिलेटिव डिफ्रैक्शन प्लस टी टू अपॉन एन टू। एन वन और एन टू क्या है इसमें, ये एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा हुआ है पहले, बस ये तुमको अप्लाई करना नहीं आता। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं अगली क्लास में फिर से लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ना इस पे, तो एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अपेरेंट शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो यही बनता है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा क्लमजी सा फॉर्मूला है, याद करने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे फर्स्ट वाला, तो भी इनफ होगा।
T1 upon N1 plus T2 upon N2 plus T3 upon N3 और ये TN upon N3 यानी कि जितने भी आपके slabs हैं basically जितने भी slabs से बना हुआ है composite slab उन सब का आपको निकालना है apparent depth है ना और add कर देना है directly ठीक है N1 relative का मतलब होता है N1 divided by NO यानी कि आप बात कर रहे हो किसी with respect to a medium एक medium लिया है आपने NO उसके respect में कितना आपका reflective index आ रहा है ना ये होता है इसका मतलब देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है ठीक है कुछ पूछना है इसमें no. अब देखो इस पे इतने क्वेश्चन नहीं बनते आज जो हमने पढ़ा है उसमें आपके मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनते हैं उस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है ना आपका क्वेश्चन आ सकता है रिफ्रेक्शन पे बेसिक रिफ्रेक्शन पे क्या क्या होता है मतलब क्या होता है उसका है ना थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है ना स्फेरिकल मिरर्स पे क्वेश्चन आ सकता है स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं ना कैसे बनाए जाते हैं लेकिन तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन आएगा ना वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे TIR नेक्स्ट क्लास में मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे जरूरी नहीं है लेकिन जब भी ऑप्टिक्स की क्लास होगी तब उसमें पढ़ेंगे TIR क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हाँ इस पे क्वेश्चन आते हैं ये हम पढ़ने वाले इस ये वाली क्लास मिस मत करना और इसके क्वेश्चंस साथ में मैं कराऊंगा बहुत सारे उसको प्रैक्टिस भी करेंगे फिर है ना तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से तो इसमें से क्वेश्चन भी आएंगे काफी सारे तो इसको मिस मत करना क्लास को मिलते हैं फिर अगली क्लास में है ना होमवर्क में तुमको बता ही दूंगा ग्रुप पे तो करके आना उसको ठीक है यस सर बताइए कुछ पूछना है किसी को नो सर नो सर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास ओके Bye-bye, everyone.